हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है। ये पूरा वीक काफी फेस्टिवल से भरा हुआ था। दिवाली हो गया, भाई दूज हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी ने काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। काफी दिनों से वीडियो आई नहीं है और आज वीडियो आ रही है, तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। हर बार हम अपने चैनल में डॉग लवर से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन आज हम अपने चैनल पे जो नॉन डॉग लवर्स हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे, जिनको डॉग से काफी डर लगता है, जिसे कहते हैं साइनोफोबिया। अब साइनोफोबिया क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जिन लोगों को डॉग से डर लगता है उस डर को कैसे दूर भगाए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फोबिया होता क्या है। फोबिया कई टाइप्स के होते हैं। ये सेनोफोबिया जो है ये सिर्फ डॉग्स के लिए होता है, बाकी कई और तरह तरह के फोबियाज होते हैं, जैसे कि एक्रोफोबिया हो गया जिसे हाइट से डर लगता है, हीमोफोबिया हो गया जिसे ब्लड से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसे पानी से डर लगता है। मतलब फोबिया मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ का ही प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपको पानी से डर लगता है, मतलब आप पानी के नज़दीक भी नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे पैर रख के स्विमिंग करना तो दूर की बात है, तो उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाएगा। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके रिलेटिव्स में भी होंगे, आपके घर में भी होंगे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो डॉग से काफ़ी ज़्यादा डरते होंगे। मतलब आपके घर में अगर डॉग है तो वो आपके डॉग के बिल्कुल भी पास नहीं आना चाहते और हमेशा उनसे दूर भागते हैं। रास्ते में भी अगर कोई वो डॉग देख लेते हैं तो एकदम डर जाते हैं वो, कि हाय क्या देख लिया मैंने, इसे दूर भगाओ, इसे दूर भगाओ। पत्थर मारने का भी ट्राई करते हैं, डंडी लेके भी मारने का ट्राई करते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं एक तरीके का डर, जिसे हम कहते हैं सिनोफोबिया। साइंटिस्ट लोग इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सिनोफोबिया कुछ स्पेसिफिक लोगों को क्यों होता है? आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, आपके कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो उनको ऐसा डर क्यों लगता है? एक तरफ हम है जो कि डॉग लवर्स है, जो कोई भी रास्ते में डॉग मिल जाए या फिर कोई किसी का पेट मिल जाए तो उसको प्यार करने लग जाते हैं, उसको ऐसा करके बुलाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉग से सख्त नफरत होती है या फिर डर होता है, जो उनसे दूरी भागते रहते हैं। किसी भी डॉग को देख ले, वो चाहे कोई वो पेट डॉग हो या फिर स्ट्रे डॉग हो, उनको डर लगने लग जाता है। तो सिनोफोबिया होता क्यों है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कि खुद एक्सपीरियंस करना। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस, मतलब कि देख के, मतलब जो देखा उससे डर बैठ जाना। और तीसरा है इन्फॉर्मेशनल, मतलब कोई अगर आपको बता रहा है, स्टोरी सुना रहा है। तो अब इन तीनों में से जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही लोगों के साथ ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को डॉग ने बुरी तरीके से काट लिया, फिर उसके बाद उसको इतने सारे इंजेक्शंस लगे, उसको मतलब दूसरे डॉग से भी डर लगता है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन डॉग मिलके अटैक कर देते हैं कुछ कुछ लोगों के ऊपर, तो तब से डर बैठ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट है ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके किसी जान पहचान के आस पड़ोस के लोगों को, आप जिसको जानते हैं, उनको किसी डॉग ने काट लिया या फिर उन पे अटैक कर दिया, तो उसको आप देख रहे हैं सामने खड़े होके, फिर उसके बाद आपको डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, मेरे को भी कहीं डॉग ऐसे ना पकड़ ले। और तीसरा जो पार्ट है वो है इन्फॉर्मेशनल एक्सपीरियंस, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि दोस्त लोग, फैमिली मेम्बर्स लोग एक साथ बैठते हैं, फिर उसके बाद लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, कि पता मुझे ऐसे कुत्ते ने काट लिया था, मुझे ऐसे यहाँ पे पकड़ लिया था। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशनल एक्सपीरियंस से भी कई लोगों में डर बैठ जाता है कि अरे इसको काट लिया इस तरीके से, कहीं मुझे भी ना काट ले। तो उस वजह से फोबियाज होने लग जाते हैं, लोग डरने लग जाते हैं डॉगीज से। अब रिसर्चर्स ने इसमें भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप डिसाइड करके रखा है कि 5 to 9 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये इंसिडेंट्स अगर होते हैं, मतलब डॉग ने अटैक कर लिया या फिर पकड़ लिया, या फिर अपने सामने देख रहे हैं कि कोई डॉग अटैक कर रहा है किसी ह्यूमन के ऊपर, तो उनके मन में डर बैठ जाता है। तो बच्चे जो होते हैं उनके साथ ही ये ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद बड़े होते होते ये फोबिया लगा रहता है। और जो बड़े होते हैं, मान लीजिए 15+ या फिर मेरी तरह 20+, अगर उनको डॉग काटते हैं तो उनको उतना ज़्यादा मतलब फोबिया टाइप नहीं हो जाता, बट हाँ डर बैठ जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बड़े होते होते ये चीज़ें फोबिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ये 5 to 9 ईयर्स की एज गैप ही होती है जिसमें फोबियाज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर डॉग अटैक करता है तो।
तो अब तो हमने जान लिया कि ये सिनोफोबिया क्या होता है और किस रीजंस की वजह से होता है, किस लिए लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस फोबिया जो है, ये सिनोफोबिया जो है, इसको किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको डॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं लेकिन वो डॉग से काफ़ी डरते भी है, जिस वजह से वो किसी भी दूसरे डॉग के साथ इंटरेक्ट नहीं होते ज़्यादा, उनसे दूरी बना के रखते हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठा रहता है कि ये काट लेगा तो क्या होगा, लेकिन वो फिर भी डॉग को पसंद करते हैं। सो ये सिनोफोबिया भले ही कुछ लोगों के लिए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, इस चीज़ को लेके लोग ज़्यादा सीरियस ना हो, बट कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी एक बड़ा मैटर होता है क्योंकि वो डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी सारी थेरेपीज होती है, जिसमें आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, पैसे देते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है, वो थेरेपी आप पे अप्लाई होती है, फिर उसके बाद आपका धीरे 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 करके डर ख़त्म होने लग जाता है। ये सिनोफोबिया के साथ ही नहीं, और भी जितने भी टाइप के फोबियाज हैं उन सभी के साथ होता है। सो सिनोफोबिया के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूँगा होता है सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट, क्योंकि यार देखो यार, ये इंडिया है, यहाँ पे इस चीज़ को लेके उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि हाँ भाई कुत्ते से डर लगता है तो जाके ट्रीटमेंट करवा ले, लोग पागल ही समझेंगे और घर वाले भी बोलेंगे क्या पागलपंती कर रहा है, किस चीज़ के लिए ये ट्रीटमेंट है, इतने पैसे खर्च कर रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही चलता है, बाकी जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं वो फोबियाज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। सो ये इंडिया है, यहाँ पे जुगाड़ से भी काम हो सकता है, तो सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक फ्रेंडली डॉग, जितना ज़्यादा डॉग फ्रेंडली हो सके उतना ज़्यादा, चाहे वो गोल्डन रिट्रीवर हो, लैब्राडोर हो, बीगल हो, या फिर कोई छोटा मोटा दूसरा डॉग हो, पग हो गया, शिह त्ज़ू वगैरह हो गए। तो फ्रेंडली डॉग अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो आप उसे बोलिए कि भाई प्लीज़ अपने डॉग को मेरे पास लेकर आ, पार्क में या फिर कहीं भी और जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। फिर अपने दोस्त को बोलिए कि वो जो डॉग लेकर आया है अपने, उसको एकदम टाइटली कस के पकड़ के रखे। तो आप दोस्त को बुला सकते हैं या फिर आप किसी फैमिली मेंबर के पास होगा या फिर किसी भी ट्रेनर को बोल सकते हैं आप, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सो उसको बोलिए कि आप उसको एकदम टाइट पकड़ के रखे, फिर उसके बाद आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करिए, मतलब कहीं वो डॉग आपके ऊपर झपट तो नहीं रहा, कहीं वो डॉग आपके ऊपर फ्रेंडली है या फिर एग्रेसिव है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। फिर धीरे धीरे करके आपका जो दोस्त का डॉग है आप उसको टच करने का ट्राई करिए, पहले पहले दिन ही ऐसा नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा जब तक आपका डर ख़त्म नहीं हो जाता, एक हफ्ता भी लग सकता है, दो हफ्ता भी लग सकता है, चार हफ्ते भी लग सकते हैं। सो ये आपके डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉग से कितना डरते हैं। धीरे धीरे करके उसे ऐसे करके बुलाने का पास ट्राई करिए, उसको हो सके तो आप उसको सर में पेट कर सकते हैं, अगर आपने उसके सर में पेट कर लिया मतलब प्यार कर दिया तो इसका मतलब आप एकदम पास हो चुके हैं, कुछ दिनों में ही आपका डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ज़रा सा भी टच नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके एकदम ही दूर भाग रहे हैं, तो फिर आपको शायद कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, शायद आपको कहीं दूसरी जगह दूसरे डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपका कंफर्ट जोन रहे, जहाँ पे आप उतने ज़्यादा डरे हुए ना हो। डॉग अगर छोटा होगा ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बड़े डॉग्स के साथ काफ़ी डर लगता है, अगर डॉग्स छोटे होंगे तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ऊपर से फ्रेंडली भी है, तो आपके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएगा वो, कि आपका जो है हाथ उस तक पहुँचे और आप उसको पेट कर सके, तभी धीरे धीरे करके आपका ये डर ख़त्म होगा। सो गाइस, यही था हमारा आज का एपिसोड सिनोफोबिया के बारे में। आपको भी अगर ये सिनोफोबिया है तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो मैंने अभी पहले बताया, अगर नहीं है तो आप अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हैं जिसको सिनोफोबिया है या फिर फैमिली मेंबर को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा यार, अच्छा लगेगा, और शेयर करें इस वीडियो को जिसे आपको लगता है कि डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और नीचे कॉमेंट करके अपने थाट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।